अस्सलामुअलैकुम। आज है जी हम सूक मुबारकिया में, जो कुवैत का कदीम तरीन सूक है यानी मार्केट है। और मेरे पीछे अगर आप नक्शा देखें तो ये बहुत बड़ा है, यानी इतना बड़ा है कि जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो लिटरली मैं खो जाता हूँ। आज हम कोशिश करेंगे कि मैं वापस यहाँ पर पहुँच सकूँ इस एंट्रेंस से, मेन एंट्रेंस से हम अभी जा रहे हैं यानी मार्केट की तरफ। और आपको बाज़ार दिखाता हूँ यहाँ पर कैसा है। यहाँ पर इस तरफ तकरीबन फ़िश मार्केट और वेजिटेबल मार्केट है जी। दोस्तों मुझे स्मेल आना शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि हम सी फूड मतलब पहुँचने वाले हैं मीट वाली जगह पर। और अभी ये अरे वाह, ये है जी इसकी वजह से। इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पर पूरी मंडी है जी, मछली की पूरी मंडी है जिसमें के मतलब इतनी क्वालिटी है यहाँ पर मछली की कि आपको अगर स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं आता तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। और ना सिर्फ यहाँ की बल्कि जो दीगर अरब इलाके हैं यानी सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, जो अरब के दूसरे इलाके हैं वहाँ से भी यहाँ पर मछली आती है, जिसके ऊपर साथ में लिखा होता है। फिर इवन ईरान से मछली आती है और वह साथ में लिख, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा यार। अच्छा जी, मार्केट के स्टार्ट के ऊपर आप देखें तो वहाँ पर एटीएम मशीन्स दो तीन नस्ब की गई हैं ताकि जो भी यहाँ पर कस्टमर आए वो यहीं से कैश ले लें अगर उनके पास कैश नहीं है। अच्छा, मोस्टली ये जो मार्केट है ये कुवैती लोगों की मार्केट होती है, क्योंकि टिपिकल जो इनका जो ट्रेडिशनल स्टफ़ होता है कुवैतियों का, लोकल्स का, वो यहाँ पर मोस्टली मिलता है। जैसे कि उनके जो लिबास हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल उनके कपड़े हैं वो हो गया, या मतलब इसको ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 70% यहाँ पर लोकल्स ही शॉपिंग करने आते हैं। ये वेजिटेबल के एरिया, जैसे मैंने पिछले दिनों भी दिखाया था कि मोस्टली यहाँ पर जो फ्रूट्स आते हैं वो आउट ऑफ सीज़न भी आपको हर सीज़न में आपको हर किस्म का फ्रूट यहाँ पर दस्तयाब होता है, क्योंकि ये हर किसी कंट्री से, अगर मिसाल के तौर पे भी आजकल जैसे पाकिस्तान से अगर ऑरेंजेस नहीं आ रहे तो स्टिल यहाँ पर आपको फ्रेश ऑरेंजेस नज़र आ रहे होंगे। तो ये क्या करते हैं फिर उस हिसाब से, जैसे भी फ्रांस से आ रहा है तो वो उस कंट्री से मंगवाना शुरू कर लेते हैं जहाँ से इस वक्त वो पैदा हो रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पर 12 महीने हर किस्म का फ्रूट यहाँ पर मिल जाता है। अब देख रहे होंगे कि स्पेसिफिक जो कोड है मतलब यूनिफॉर्म का, वो इनके जो यहाँ पर सर्विस के लिए रखे हुए बंदे जो शॉपकीपर्स हैं जो ठेले के ऊपर खड़े हैं उनको वो शर्ट पहनाई गई है ताकि वो आइडेंटिफाई किए जा सके कि वो यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, ये यहाँ के जो लोकल होते हैं लोग वो मोस्टली इस तरह के गाउन शेप में, मोस्टली घर के अंदर जो नॉर्मल मतलब स्लीपिंग ड्रेस कह लें आप इसको, या घर पे जो इजी फील करने के लिए ड्रेसेस होती हैं वो इस तरह की होती है अमूमन जो लोकल्स पहनते हैं। अच्छा, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये तकरीबन इस पूरी मार्केट का सेंटर गिना जाता है। तकरीबन हम इस वक्त वस्त में खड़े हैं और ये वो एरिया है कि जहाँ पर से अगर मैं बाहर निकलना चाहूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट वॉक करना पड़ेगा उस रास्ते में, इतना बड़ा है माशाल्लाह से ये बाज़ार जो बना हुआ है। और यही मेन एरिया है जहाँ पर शॉप्स भी हैं। यहाँ की जो लोकल आइटम्स हैं उनमें जैतून हर किस्म का यहाँ पर होता है, और देखिए जैसे ब्लैक है, ग्रीन है, वर्जिन ग्रीन, फिर उसमें पिकल है। अब मतलब उसको फ्लेवर देखे या उसको प्रेजेंटेशन बना के उसकी रखा, वो फिर जैतून मुख्तलिफ कंट्रीज़ से यहाँ पर आता है, सीरिया से आता है जैसे शाम कहा जाता है, शाम से भी आता है, उसके अलावा और भी मुल्कों से यहाँ पर जैतून आता है।
अभी जैसे ये उन्होंने डिफरेंशिएट ये किया हुआ है कि हर एक सूप जो मतलब मार्केट है वो अलग से अलग चीज़ों की है। जैसे कि अब यहाँ पर मोस्टली एक ही स्टफ़, एक ही किस्म का स्टफ़ यहाँ पर है, मतलब कपड़े, सिर्फ कपड़ों की मार्केट इसको कह लें हम। इसी तरह से जो इस मार्केट के बाद जो ही ये एरिया आया तो साथ ही बैग्स और मोबाइल एक्सेसरीज़ और इस तरह से कॉस्मेटिक्स ये मिक्स हो गया। और जब हम इसको ख़त्म करेंगे मतलब इससे बाहर निकलेंगे तो साथ ही दूसरा एक मार्केट शुरू हो जाएगी जिसका नाम उन्होंने बाहर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकें, सूक अबराज सलासा। ठीक है, तो वो बर्तनों का और वो मिक्सअप पूरा स्टफ़ रखा हुआ है। अच्छा, ये हम एक सूक से बाहर आ गए, यानी अब वहाँ पर जो मैंने दिखाना था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये वापस हम मेन एंट्रेंस पे आए हैं जहाँ से हम उन मार्केट्स में एंटर होते हैं। तो ये मेन स्ट्रीट है जो मेन रोड से लिंक करती है मार्केट को। यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग चल रही है जो किसी चैनल के लिए, ये उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल से, हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम यहाँ पर मुझे तकरीबन 10-15 मिनट लग गए थे ये अंडरस्टैंड करने में कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी हो गया। तो यहाँ से हम एग्ज़िट ले सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़िट्स जो वहाँ मेन रोड पे लीड करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ पर शॉप्स बोहरी, जो इंडिया के बोहरी लोग हैं अगर हम देखे हुए हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पर संभालते हैं ये तस्बीहां वगैरह, परफ्यूम्स की शॉप्स, जूतों की शॉप्स हो गई, और इंडियन ज़्यादातर मोबाइल के जो एक्सेसरीज़ होती हैं वो संभालते हैं। हाँ, अब यहाँ पर रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, बिल्कुल यही वो पॉइंट है जी जो बाहर लेके जाता है। एंड यस, आई गॉट इट, वो जो टावर नज़र आ रहे हैं वहाँ पर मेरी रिहाइश है। तो मैं वापस आ गया हूँ, बड़ी खुशी ये हो रही है कि मैं वापस आ गया हूँ। मुझे ये था कि मैं आज फिर से गुम हो जाऊँगी। इतना बड़ा, कहने का मतलब ये कि इतना बड़ा ये बाज़ार है कि यहाँ पर अगर एंटर हो जाएँ तो आप घूम जाते हो। दूसरा, ये रश भी आज नहीं है उस तरह जिस तरह नॉर्मली रश होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी वीक डेज़ हैं तो इसलिए शायद इस वजह से रश थोड़ा कम है। अच्छा, ये चीज़ देखें कि हवा के लिए उन्होंने, देखें कैसे स्टीम उड़ रही है जी, और उससे ठंडक का एहसास होता है, गर्मी नहीं लगती। रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर एक के बाद एक। ये जो है ये छोटा सा पार्क बनाया हुआ कि बच्चे आराम से खेलें और जब खाना लग जाए रेस्टोरेंट्स पे तो वापस आ जाएं। तो बच्चे खेल रहे हैं जनाब, वाओ। जैसे मैंने कहा, ये ट्रेडिशनल कह सकते हैं एक इनका वे आउट है कि जैसे ये लोग आउटिंग करते हैं कि मोस्टली ये बच्चों को लेकर, जाहिर है कि मेड रखी होती हैं ज़्यादातर, तो वो मेड्स के साथ लेकर वो आ जाते हैं तो वो बच्चों को खिलाती हैं यहाँ पे और बच्चे इंजॉय करते हैं। ये देखिए जी, अलग ही काम शुरू किया हुआ है बच्चों ने। माशाल्लाह, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये दूसरा एग्जिट है, अगर मैं थोड़ा आगे जाता तो मैंने यहाँ से बाहर निकलना था। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है तो ये भी बाज़ार का हिस्सा है। तो यानी ओवरऑल मेरे ख्याल से जो इसका डिज़ाइन किया गया है वो इसको इस तरह से किया गया है कि आप जब बाज़ार से बाहर निकलेंगे, चाहे किसी भी एग्जिट से निकलोगे, तो आगे आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा। यहाँ पर भी रेस्टोरेंट है और यहाँ पर भी है, और ये बिल्कुल इस लाइन में आगे रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं। चले जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, अगर कुछ सजेशंस हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए, और अगर हाँ, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्योंकि बहुत मेहनत होती है, आपको पता है, इतनी दूर से पैदल चल के आना,
आपको डिफरेंट जगहों पे ले जाना और फिर एक्सप्लेन करना. व्हाट द हेल मैन, सब्सक्राइब करो. अल्लाह हाफिज़.